हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मराठी मूवी भोंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहाँ पर सादिक और रफीक नाम के दो भाई रहते हैं। उनकी वाइफ्स की बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। सादिक उनके झगड़े की वजह से काफी तंग आ गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ रुखसाना के साथ मस्जिदी के पास वाले घर में शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअली सदिक और रुखसाना का एक बेटा है सलमान। सलमान 9 महीने का है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसके कारण वो हमेशा रोता रहता। इसी की वजह से रफीक की वाइफ फरीदा काफी ज्यादा गुस्सा करती। एक्चुअली रफीक और फरीदा के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो सलमान पर काफी ज्यादा जलती थी, जिसके कारण वो रुखसाना के साथ हमेशा झगड़ा करती। रफीक नहीं चाहता था कि सादिक घर छोड़कर चला जाए, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से सादिक और रुखसाना मस्जिद वाले घर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअली सादिक की माँ भी यही चाहती है कि वो दोनों सेपरेट रहे, ताकि उनके बीच में झगड़े ना हो। रफीक फरीदा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फरीदा कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका कहना था कि ये बच्चा तो वैसे ही कुछ दिनों में मरने वाला है, तो इसको पाल पोसने का क्या फायदा। रफीक इससे काफी गुस्सा हो जाता है और फरीदा को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद सादिक और रुखसाना मस्जिद के पास वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सादिक की बात करें तो उसका चाय और नाश्ते का सेंटर है, साथ ही वो शादियों में भी खाना बनाया करता है। तो वही रफीक की भी पंचर की दुकान है और वो भी सादिक के साथ खाना बनाने में मदद करता है। दोनों भाइयों में प्यार तो बहुत था, लेकिन वाइफ्स की झगड़े की वजह से वो साथ नहीं रह पा रहे थे। जब सब लोग रात को सो रहे थे, सुबह की अजान होती है और सलमान उठकर रोने लगता है। पहले सादिक और रुखसाना को लगता है कि शायद सलमान बीमार है, इसकी वजह से उठ गया होगा। एक्चुअली सादिक के घर के सामने ही मस्जिद था और वहां पर जो लाउड स्पीकर था वो बिल्कुल सादिक के खिड़की की तरफ ही था, जिसकी वजह से साउंड बहुत जोर से आता था और सलमान की नींद खुल रही थी। लेकिन वो दोनों पहले समझ नहीं पाते कि स्पीकर की वजह से सलमान की नींद खुल रही है। सलमान का बुखार उतर नहीं रहा था, तो सादिक डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर जब सलमान को चेक करता है, तो डॉक्टर का कहना था कि शायद सलमान की नींद पूरी नहीं हो रही, दवाई के साथ साथ अच्छी नींद की भी जरूरत होती है। सादिक अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि सलमान की नींद पूरी क्यों नहीं हो रही। तो वही गांव में शादी थी और सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। जब वरमाला का वक्त आता है, तभी आजान देने वाला बंदा, जिसे सब लोग बांगी के बुलाते हैं, वो स्पीकर पर डेथ की न्यूज सुनाता है। इससे गांव वाले काफी नाराज थे, क्योंकि एक अच्छा काम चल रहा था और उसके बीच में उसने डेथ की न्यूज सुना दी। जब वो घर जाता है तो उसकी वाइफ भी इस बात के लिए नाराज थी। उसका कहना था कि किसी का अच्छा काम चल रहा हो तो ऐसी बुरी खबर नहीं देनी चाहिए। अगर वो आधे घंटे बाद खबर देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बांगी कहता है धर्म के मामले में वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो अपनी वाइफ को डांटता है कि वो उसे कुछ ना सिखाए, जिससे उसकी वाइफ चुप हो जाती है। रुखसाना ऑब्जर्व करती है कि जब भी अजान की आवाज आती है, सलमान हड़बड़ाकर उठ जाता है, इसलिए वो सलमान के कानों में रुई डाल देती है, लेकिन आवाज इतनी ज्यादा थी कि सलमान फिर भी उठ जाता है। तो वही गांव के कुछ लोग बांगी के बारे में ही बात कर रहे थे। उनका कहना था कि बांगी को थोड़ा रुक कर इस न्यूज की अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन सादिक बांगी का साथ देता है। उसका कहना था कि बांगी अपना काम कर रहा है और उसे इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। सलमान की दादी उससे मिलने आती है, लेकिन सलमान की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए सादिक फिर से डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर जब चेकिंग कर रहा था, तभी अजान की आवाज होती है। डॉक्टर ये सुनके सादिक को कहता है कि इतनी जोर से अगर आवाज होगी तो सलमान कैसे सो पाएगा, उसे बांगी से बात करनी चाहिए और इस आवाज का कुछ करना चाहिए, नहीं तो सलमान की तबीयत ऐसी ही बिगड़ती रहेगी। तो वही गांव में 3 दिनों तक कीर्तन का प्रोग्राम था। वहां पर चाय और नाश्ता पहुंचाने का ऑर्डर सादिक को मिलता है। सादिक भी इससे काफी खुश था, लेकिन बांगी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि सादिक कीर्तन में जाकर सबको नाश्ता और चाय देता है। बांगी का कहना था कि सादिक ऐसा करके अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है और वो सादिक पर काफी ज्यादा गुस्सा था। गांव में एक और आदमी है जिसे सब लोग सुधा के बुलाते हैं। कीर्तन के वक्त सुधा बहुत ही ड्रिंक करके आया था। अन्ना जब उसे ड्रिंक करने का रीजन पूछते हैं, तो सुधा कहता है कि कीर्तन के स्पीकर की वजह से उसकी बेटे की नींद पूरी नहीं हो रही। जब अन्ना ये सुनते हैं, तो वो अपने बंदे से कहकर स्पीकर का मुंह दूसरी तरफ फेर देते हैं, ताकि सुधा का बेटा अच्छे से सो सके। और वो सुधा को वार्न करते हैं कि वो फिर से कभी ड्रिंक करके ना आए। सुधा भी उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा।
तो वही सादिक काफी परेशान था क्योंकि सलमान की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो अगले दिन अन्ना से बात करता है। अन्ना सादिक से कहते हैं कि अगर वो बंगी से बात करेगा तो बंगी अपना स्पीकर दूसरी तरफ मोड़ देगा, कल उन्होंने भी वैसा ही तो किया था। सादिक भी इस बात को समझता है और वो रफीक को साथ लेकर बंगी से बात करने जाता है। वो बंगी को बताता है कि सलमान की तबीयत बहुत खराब है और स्पीकर की वजह से सलमान की नींद पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो लाउड स्पीकर को उस तरफ मोड़ दे। लेकिन बांगी इस पर गुस्सा होता है और वो सादिक को डांटने लगता है कि वो खुद तो धर्म भ्रष्ट करता है और चाहता है कि बांगी भी यही करे। बांगी अपने धर्म के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, जिस पर सादिक कहता है कि धर्म के अनुसार आजान पढ़ना जरूरी है, लेकिन आजान स्पीकर पर पढ़ना ऐसा कहाँ पर लिखा था। इन बातों की वजह से बांगी और सादिक के बीच में लड़ाई होने लगती है। एक्चुअली बात यहाँ पर धर्म की नहीं थी, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज की थी। एक्चुअली कई साल पहले बांगी की बहन की बेटी की शादी सादिक के साथ हुई थी, लेकिन सादिक की भाभी जिस तरह रुखसाना को परेशान करती है उसी तरह बांगी की भांजी को भी परेशान किया करती थी, जिसकी वजह से सादिक और उसका तलाक हो गया। बांगी इसकी वजह से सादिक से नफरत करता था और इसी की वजह से वो सादिक की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। रफीक उन दोनों को शांत करता है और सादिक को घर वापस लेकर आता है। अब उन्हें दूसरा ही कोई हल निकालना था, लेकिन सादिक इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सलमान को लेकर शहर के हॉस्पिटल जाएगा। इसलिए सादिक और रुखसाना सलमान को लेकर शहर वाले हॉस्पिटल जाते हैं। वहां पर डॉक्टर बताता है कि सलमान को एक बीमारी है जिसकी वजह से अगर उसे थोड़ी सी भी आवाज आएगी तो वो उसे पैनिक अटैक टाइप आने लगेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि अक्सर बच्चों में ऐसी बीमारी तब होती है जब माँ प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा काम करती है या उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। सादिक को पता था कि रुखसाना कितनी ज्यादा स्ट्रेस से गुजरी थी क्योंकि उसकी भाभी रुखसाना को बहुत तंग किया करती थी। डॉक्टर सादिक से कहता है कि सलमान को एडमिट करना होगा, लेकिन सादिक के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वो पैसों का बंदोबस्त करने के लिए घर वापस आता है। सादिक अपनी दुकान पर बैठकर सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे सलमान की नींद पूरी हो जाए। तभी वहां पर गांव का एक आदमी आता है जिसे सादिक सब कुछ बता देता है। वो एक पॉलिटिशियन था और वो एक आइडिया निकालता है। उसको पता था कि बांगी कभी भी किसी की बात नहीं मानेगा, इसलिए वो गांव के कुछ लड़कों को एक काम देता है। जब सब लोग रात को सो जाते हैं और सुबह को आजान का वक्त आता है तब वो लड़के जाकर फ्यूज ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बांगी को बिना स्पीकर ही आजान देनी पड़ती है। आज सलमान की नींद काफी अच्छे से हुई थी, लेकिन दोपहर को फिर से आजान की आवाज आती है और सलमान फिर से उठ जाता है। सादिक इस बात से खुश था कि एटलीस्ट सलमान की सुबह की नींद तो अच्छे से हो गई, लेकिन बांगी दिन भर स्पीकर पर कुछ ना कुछ अनाउंस करता रहता, जिसकी वजह से सलमान दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था। एक्चुअली बांगी भी ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि सादिक इससे परेशान होगा, इसलिए बांगी स्पीकर का आवाज भी बढ़ा देता है। ऐसा 2 दिन होता है कि सुबह बिजली चली जाती थी, इसलिए बांगी एक बैटरी लेकर आता है। अब वो सुबह की आजान फिर से स्पीकर पर देने लगता है और सलमान की नींद पूरी नहीं हो रही थी। सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और सब लोग समझ रहे थे कि सलमान की हालत क्या है, इसलिए सब लोग मिलकर बांगी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बांगी कहता है कि लोग उसके धर्म के बीच में नहीं आ सकते। लोग उसे समझाते हैं कि वो आजान बंद करने के लिए नहीं कह रहे, उनका बस इतना कहना है कि स्पीकर का डायरेक्शन दूसरी तरफ मोड़ दो। लेकिन बांगी कहता है कि वो इतना भी क्यों करे, अगर सादिक को इतनी तकलीफ हो रही है तो वो कहीं और रहने जाए। ये कहकर बांगी वहां से गुस्से से चला जाता है। सब लोग चाहते हैं कि वो मौलाना से बात करें, लेकिन उन्हें लगता है कि बांगी मौलाना का खास बंदा है, इसलिए वो बांगी की ही बात सुनेंगे, इसलिए उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि रफीक को सादिक के घर में रहना चाहिए और सादिक को अपने पुराने वाले घर में शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि वहां पर स्पीकर की आवाज ज्यादा नहीं आती। सबको ये आइडिया पसंद आता है और रफीक भी इसके लिए तैयार था। वो जाकर इसके बारे में फरीदा से बात करता है, लेकिन फरीदा कहती है कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, वो भी उस बच्चे के लिए जो कुछ दिनों में मरने वाला है। रफीक ये बात सुनकर फरीदा पर फिर से हाथ उठाता है, लेकिन फरीदा उसकी एक बात नहीं सुनती। तो वही सादिक बहुत खुश था कि वो लोग वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन सुबह फिर से आजान होती है, लेकिन सलमान नहीं उठता। सादिक और रुखसाना ये देखकर काफी खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सलमान गहरी नींद में सो रहा है, इसकी वजह से वो स्पीकर की आवाज से भी नहीं उठा। लेकिन सलमान की दादी को
ये काफी अजीब लगता है। इसलिए वो जाकर सलमान को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी हलचल नहीं थी। सलमान की दादी जोर जोर से रोने लगती है। तब सादिक और रुखसाना को पता चलता है कि सलमान की डेथ हो चुकी है। वो लोग भी आकर रोने लगते हैं और धीरे धीरे ये खबर गांव वालों में फैल जाती है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बांगी भी वहां आकर चुपचाप खड़ा था। वो काफी शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन वो किसी से कोई भी बात नहीं करता। जब सलमान को दफनाया जा रहा था तो बांगी भी अपना हाथ दे रहा था, लेकिन सादिक उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान गई है, तो तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। अन्ना बांगी से कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। बांगी वहां से चला जाता है और जो उसने किया उस बात का उसे अब पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तक सलमान की मौत हो चुकी थी। बांगी फिर से मस्जिद में जाता है और आजान देने का वक्त हो गया था, लेकिन आज आजान बोलते वक्त बांगी स्पीकर ऑन नहीं करता। वो आजान बोलने लगता है और उसकी आंखें भर जाती हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। इस मूवी का मैसेज काफी अच्छा था कि कहीं हम धर्म का नाम लेते हुए इंसानियत के धर्म को ही नहीं भूलते जा रहे। वैसे सच बताऊं तो मुझे बांगी से ज्यादा फरीदा पर गुस्सा आया। फरीदा के खुद के बच्चे नहीं थे और सलमान उसके देवर का बेटा था, यानी कि लगभग वो उसके बेटे जैसा ही हुआ, लेकिन फिर भी उसे सलमान की तरफ बिल्कुल भी प्यार या लगाव नहीं था। तो ये थी भोंगा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।